महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तीन गाड़ियों से कैसे हुई डीजल की चोरी और हथियार के बल पर मुमरा बाईपास पर कैसे हुई लूटपाट। कहा घोड़ा गाड़ी से गिरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। किसने कहा ओसामा बिन लादेन को शहीद। तो कहां जलाया गया सलमान खान का पुतला। ये सब देखिए टॉप फाइव में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ रहे हैं कि लोगों को जोर का झटका धीरे धीरे लग रहा है, और बढ़ती डीजल की कीमतों की वजह से डीजल पर अब चोर भी हाथ साफ कर रहे हैं। मुमरा खरड़ी रोड पर खड़े कंक्रीट मिक्सर मशीन से रात के समय डीजल की चोरी कर ली। चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कंक्रीट मशीनों से डीजल चुराए हैं। तीनों मशीनों से करीब 400 लीटर की डीजल की चोरी की है। पार्किंग में खड़ी इन गाड़ियों से चोरी करने वाले एक चोर को पकड़ लिया गया था, मगर ड्राइवर इमरान रफीक मेमन ने बताया कि पुलिस ने उसे फिर छोड़ दिया। मेरा नाम इमरान मोहम्मद रफीक मेमन है। रात को 12-1 बजे गाड़ी खड़ा करके गया तो मेरा सुबह आके देखा तो डीजल चोरी हो गया। तीन गाड़ी थी एक साथ में। कितना लीटर डीजल था मेरा इसमें? तो 150 लीटर था। और कितने 150 लीटर? 11,000 रुपए का था। 11,000 डीजल था? हाँ, 11,500 का डीजल था। कभी दूसरे का उसका भी 11,000 का ही डीजल था। 151 लीटर था उसका, 151 लीटर था। दूसरा गाड़ी था उसका 100 लीटर था। जमीन पे गिराया भी और लेके भी गया है। और पुलिस वाले साहब रात को पकड़ के उसको 1 घंटा मारे, मारने के बाद चौकी में लेके जाके छोड़ दिए। पुलिस वाले पकड़े थे उसको? हाँ, पकड़े थे पुलिस वाले, लेकिन हम लोग गए सुबह 8-9 बजे चौकी पहुँचे। हमारा एनसी ले ही नहीं रहा है, बात ही नहीं मान रहा है कुछ। तो ये टाइगर पुलिस चौकी, हाँ, कल्याण टाइगर चौकी। इसी तरह से मुमरा बाईपास पर एक ट्रक चालक के साथ लूट की घटना सामने आई है, जहां ट्रक चालक अरशद ने बताया कि रात के समय कुछ लोगों ने उसे चाकू दिखाकर मोबाइल, पैसा और ट्रक में लगे टेप, यहां तक कि एक गैस सिलेंडर भी चोरी कर फरार हो गए। बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से मुमरा बाईपास पर चलने वाले ट्रक चालकों में भय का माहौल बना रहता है, क्योंकि धारदार हथियारों के बल पर अक्सर इस बाईपास पर लूट की खबरें सामने आती हैं। रात को मैं गाड़ी में सोया था, 2-3 लोग आए, मतलब दरवाजा भी खुला है, और मेरा 5-6 हज़ार का मोबाइल था वो भी ले गए, साथ में गैस बाटला भी ले गए, और टेप भी मेरा नोट के ले गए। और बोल रहे थे अगर किसी से बोलेगा तो जान से मार दूँ। चाकू लेके धमकी दे रहे थे। क्या बोल रहे थे? चाकू लेके धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे किसी से बोलेगा तो मार डालो। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। यही नहीं, कानपुर में शेल्टर होम मामले में भी इनका विरोध था। जाहिर सी बात है कि दाम अगर बढ़ेंगे तो विरोध होना लाजमी है। घोड़ा गाड़ी पर विरोध करते हुए इन सपा कार्यकर्ताओं का भार घोड़ा गाड़ी नहीं संभाल सकी और टूट गई। इसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी, मगर सपा कार्यकर्ताओं ने इसका दोष किसे दिया सुनिए। अब उस तरीके से कुछ शासन प्रशासन के लोग थे जिन लोगों ने धक्का मुक्की करना चाहा और हमारे कार्यकर्ताओं को चोट पहुँचानी चाहिए, जिसमें हमारे पार्टी के आशीष सिंह आर्यन जी को और प्रमुख हसमत अली गुड्डू जी को स्वयं हमें काफ़ी चोटें आई, आप लोगों ने देखा। और काफ़ी लोगों ने इस तरीके से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन आंदोलन को विफल करें लेकिन रोकने का काम करें, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगे से बढ़ते हुए और जिलाधिकारी महोदय तक। खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को इमरान खान ने शहीद बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को पाकिस्तानी संसद में अपने भाषण में कहा कि मैं कभी नहीं भूलता, पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदा वाक्य हुआ है और उसमें हम बड़े शर्मिंदा हैं। ओसामा बिन लादेन को अमेरिकियों ने एबटाबाद में शहीद किया है। किस तरह से इमरान खान ने चरमपंथी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया, एक आतंकवादी को शहीद बताना कितना शर्मनाक है। मुझे कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक्य जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा। वही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद पूरे देश में बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ गुस्सा है। पटना में करणी सेना ने सुशांत सिंह की मौत पर विरोध जताया। निर्माता करण जौहर
सलमान खान का पुतला फूंका। करणी सेना ने उभरते हुए कलाकार की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड के कई बड़े नामों को इसका जिम्मेदार बताया है। करणी सेना ने इसकी जांच सीबीआई से करने की मांग की है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।